दोस्तों, आगे का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि हम लोग करने वाले हैं पैरा ग्लाइडिंग, और अभी मिलाते हैं फोन करण भाई को और मिलकर सीधा वहीं पे आपसे। तो दोस्तों, अब हम वेट कर रहे हैं करण भाई का, जिसको हमने कॉल किया है, वो हमें पिक करने वाले हैं यहाँ से। और तब तक हम लोग ये नज़ारे तो तब तक हम लोग ये नज़ारे जो हैं उसको इन्जॉय कर रहे हैं, और आप लोग भी हमारे साथ इस चीज़ को इन्जॉय कीजिए। बहुत ही सही लग रहा है इनका, अभी हम भी करेंगे थोड़ी देर में। वाह यार, सही में मतलब एपिक। बस अब फटाफट हम भी शुरू करते हैं इस चीज़ को और दिखा रहे हैं आपको वीडियो में आगे। सो दोस्तों, अभी मैं निकल चुका हूँ पैराग्लाइडिंग करने के लिए। एंड इतनी चढ़ाई करने के बाद ना, ये बेस में आके ना और यहाँ का व्यू देख के ना अलग ही मज़ा आ गया यार। व्यू देखो आप सही में। और बस ये निकल चुके हैं यहाँ से, अब मेरा भी छठा सातवां नंबर है, सो थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, और क्या पता है मज़ा आने वाला है। सही में ब्यूटीफुल जगह। तो दोस्तों, अपना सेटअप हो रहा है एंड ये अपना जो विंग है इस पर मैं करने वाला हूँ, और ये सामने करण भैया है जो अपने को उड़ाने वाले हैं। रुको, हाँ भागो 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 भाई। यस, हेलो, ये आपने कहानी बदले भाई। आईडी वाली है बहुत मजा भाई। पर नाटे में तो कुछ ज्यादा मजा आ गया। हम्म,
दिल खुश नहीं। तो दोस्तों पैराग्लाइडिंग करने के बाद ये हमारा जो व्यू पॉइंट था नो वहाँ से व्यू है जो कि बहुत ही एपिक है। और अब हमारा यहाँ से जो जाने का मन है वो है अपना गोलूदेवता टेंपल। सो हम लोग सीधा वहीं पे आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पे कुछ शॉप्स जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। अभी आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ। तो दोस्तों अभी पैराग्लाइडिंग के बाद हम लोग आए हैं घोड़ाखाल में जो यहाँ पे मंदिर है गोलू देवता का वहाँ पे। और अभी ये है रास्ता, अभी आपको मंदिर में लेके चलते हैं और आगे का दिखाते हैं। चलो तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह आपको बेल्स ही बेल्स दिखेंगी। अभी मैं आपको पहले थोड़े से दर्शन कराता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मतलब इतनी सारी बेल्स क्यों हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मंदिर के बारे में। ये जो मंदिर है गोलू देवता जी का मंदिर है और यहाँ पे आप जो बेल्स देख रहे हैं ये यहाँ पे श्रद्धालु आके टांगते हैं या आप कह सकते हैं कि चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि जब भी श्रद्धालु आते हैं तो उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होने के बाद वो लोग यहाँ पे आके जो जो ये घंटियाँ हैं जो बेल्स हैं इसको चढ़ाते हैं। सो इसलिए यहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ आपको दिखेगी। ये जो आप पेपर्स लगे हुए देख रहे हैं इन पेपर्स में लोग अपनी मनोकामना लिखते हैं और फिर उसके बाद उनकी जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पे बेल्स और आके प्रसाद चढ़ाते हैं। तो बस दोस्तों यही यहाँ की कहानी है। और तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों के दर्शन जो है वो अच्छे ढंग से हो गए हों। और दोस्तों आप देखिए व्यू, ये है नीचे भीमताल और ये व्यू है आपका टेम्पल से। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब आगे मिलते हैं हमसे सीधा नैनीताल में। तो दोस्तों फाइनली हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं। अब अपना एक काम है, पहले अपने को होटल में चेक इन करना है। चेक इन किया पहले ढूंढना पड़ेगा अपने को। और आप इस साथ में पहले जो व्यू है उसको एंजॉय कीजिए एंड मिलता हूँ आपसे अब जो पार्ट थ्री में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज इतना ही हो पाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में एंड उसमें आपको पूरा नैनीताल भ्रमण कराएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये व्यू देखिए साइड से। क्या शानू बोट बोट शानू बोट अजय अजय चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अभी करते हैं टाटा बाय बाय। नौका ये तो बात। वैसे अगर कोई कम दिल का बंदा आएगा ना तो उसकी लग सकती है थोड़ी सी ज़्यादा नैरो हो गया है। ओह माय गॉड सीरियसली। अब ये फ्लाइंग फॉक्स केव, इसमें देखते हैं इसमें जा पाते हैं जा पाते हैं इसमें देखते हैं ये कैसी रहती है। बाकी दिखा दें आपको आगे। Yeah.